क्लास फोर, क्लास फोर, PLA SS-4, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं, index.html। एट जीरो नॉट 180 80, ठीक। और हमारे पास लिंक्स है, ठीक है। हम चले जाते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर। लास्ट टाइम हम वहां पर थे, वहां पर जाने के बाद एक क्विक रिवाइज करेंगे छोटा सा, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके। चलो ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से ही आगे जाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क टैब, ऑल्ट शिफ्ट टैब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास फोर, PLA SS-4। ओके। प्लस ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके। मैं सबसे पहले एक बेसिक लिंक क्रिएट करूंगा एब्सोल्यूट यूआरएल का, सही है। और उसकी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ फास्ट। और उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे क्रिएट नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो कि डिटेल इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पे, यानी कि लिंक टू अदर पेजेस ऑन दिस सेम साइट्स, ठीक है। क्या मतलब, वापस आते हैं। सबसे पहले एक एक अटैग बनाते हैं। मुझे जब भी अपनी वेबसाइट पर कोई लिंक लगाना होगा, ठीक है, लिंक लगाने के लिए जो मेरे पास एलिमेंट यूज होगा, जो मेरे पास टैग अवेलेबल होता है, उसका नाम होता है ए, ठीक है। ए का टैग मैंने यूज कर लिया, और उसके अंदर मैं लिखता हूं गो टू गूगल, सही है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं। कॉपी पार्ट, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। ये अभी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसी किस्म का पाथ उसको नहीं बताया है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आपके पास HTML में ये होते हैं कि आपके जो टैग्स हैं उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का आपके पास इंटरव्यू में सवाल आ सकता है कि आपके पास ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, एट्रीब्यूट आपका कहाँ लगेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट हमेशा आपका ओपनिंग टैग में लगेगा। एचआरएफ के पास आपका एक एट्रीब्यूट होता है जो उस एंकर, ए स्टैंड फॉर एंकर, एंकर एलिमेंट, एंकर टैग, ठीक है। तो HREF स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस, यानी इसमें जो आप जो भी डेटा पुट करोगे उस एलिमेंट पे वो जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ एक एब्सोल्यूट यूआरएल के लिए। मैं गूगल को कॉपी करता हूँ, गूगल का ये यूआरएल, इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल ए कॉपी W, वापस आते हैं कंट्रोल V, ठीक है। सेव किया मैंने, और अब मैं वापस आता हूँ अपनी साइट पर, और अब मेरे पास वो एक लिंक बन चुका है, ठीक है। जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे पास एक लिंक पर जा रहा है, जिसका लिंक, जिसके साइट का यूआरएल आपको मैंने उसके हाइपर रेफरेंस में पास किया था। कोई भी ऐसा लिंक जो आपके साइट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो किसी डोमेन नेम के साथ एसोसिएटेड है। डोमेन नेम क्या होता है? google.com हो गया, कोई भी ऐसा ऐसा जो किसी वेबसाइट के साथ एसोसिएटेड है, .com हो गया, youtube.com हो गया, ये
Wix.com हो गया, ठीक है, उसके साथ जो चीज भी एसोसिएटेड होगी दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट यूआरएल, जो आपकी सेम साइट्स के पेजेस का हिस्सा नहीं होंगे। वापस आते, अब यही चीज मैं चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे बैक करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा ना करना पड़े। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाए, ठीक है, मुझे बार 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 वापस ना आना पड़े, मैं यहीं रहूं अपनी जगह पर। उसके लिए मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करूंगा, उसका नाम आपके पास होता है टारगेट। टारगेट का एट्रीब्यूट जो होता है उसमें आप पास करोगे सिर्फ एक चीज, विच इज अंडरस्कोर ब्लैंक blank, ठीक है। टारगेट का एट्रीब्यूट आप मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वहां यूज करते हो जहां आपके एब्सोल्यूट यूआरएल्स लगे हुए होते हैं, जो किसी न किसी अदर वेबसाइट पर जाकर ओपन होते हैं .com करके, ठीक है। अब अगर मैं गो टू गूगल पे क्लिक करूंगा तो वो एक न्यू टैब में ओपन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ के इधर ही ओपन हो, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक नए पेज पर जा रहा है, मेरा सेम पेज नहीं जाया हुआ है। मैं इधर आता हूँ, कंट्रोल टैब, नहीं किया उसने, क्या देखते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक सेव, सही है, रिफ्रेश नहीं किया। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं और एक मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्लास 4 है यहाँ पर, और गो टू गूगल पे मैं जा रहा हूँ तो वो एक अलग टैब पे ओपन हुआ है। क्लास 4 मेरा ये रहा और न्यू टैब मेरा ये, ठीक है। अगर आपको इस तरह करना होगा तो उसके लिए आप यूज करोगे टारगेट का एट्रीब्यूट और उसमें आप वैल्यू दोगे अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक। वापस आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है, एचरेफ हो गया हमारा, और उसमें हमारे पास और क्या हो गया, इसमें लिंकिंग टू दी अदर साइट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल्स आते हैं जो कि डिफरेंट साइट्स के यूआरएल्स होते हैं, ठीक है, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन दी सेम साइट। मेरे पास एक नेविगेशन है जो कि मैं यहाँ भी बनाने लगा हूँ, ठीक है, उसमें हम जाएंगे सेम साइट के इंटरनल पेजेस पर, ठीक है, तो उसको आप कहते हो रिलेटिव यूआरएल्स। अपनी ही वेबसाइट के पेजेस पर मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें 5 पेजेस हैं, उसमें इधर से उधर जाने को आप कहते हो रिलेटिव यूआरएल्स, ठीक है। वापस आते हैं और इसमें एक फास्ट हम यूएल क्रिएट कर लेते हैं, यूएल यूएल के अंदर LI LI और इसके अंदर A, ठीक, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले होम, कॉपी 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है तो जिसकी वजह से मैंने 5 बनाए, ठीक है। होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, और हमारे पास प्रोफाइल हो गया FILE, और उसके बाद हमारे पास अदर। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं जाकर, मेरे पास एक लिस्ट रेंडर हो चुकी है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास 5 लिंक्स रेंडर हुए हैं, ठीक है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्रोफाइल, अदर। इतना जितना काम मैंने किया है, अगर किसी को कोड में कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सर, पीछे वाले सर, ओके, सही है, ओके।
सही है, हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। ये जो इन्होंने जो एग्जांपल्स बताई हुई है, सही है, मैं इसको आपको आसान लफ्जों में जो है नोट पैड पर बनाकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम उसके बाद कोड पर जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो उसके बाद आपको, देखो प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज ना आपको याद नहीं करनी है, जब आप याद करने लग जाओगे ना, तो डेट मीन्स के आपकी लॉजिकल या प्रोग्रामिंग स्किल्स बन नहीं रही है। ठीक है, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसके लिए बना लेते हैं एक नोट पैड की फाइल। ठीक है, मेरे पास राइट नाउ सिर्फ समझो कि तीन फाइल्स हैं। एक मेरे पास फोल्डर है जिसका नाम है लिंक्स, सही है, ये मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है लिंक्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं। ठीक है, एक फाइल का नाम है मेरे पास होम, ठीक है, दूसरी फाइल का नाम है मेरे पास अबाउट OUT। ठीक है, ओके, इसमें भी मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है home.html, ठीक है, और अबाउट में भी मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम मेरे पास है about.html, abou। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है। एक मेरे पास ये जो लिंक्स है, सही है, ये मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिसके अंदर आपके पास दो फोल्डर हैं। क्या फोल्डर है? हेलो, वसलाम, अल्लाह का शुक्र है, कौन बात कर रहे हैं? मेरा भाई है। मैं आपको अभी कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके, मैं बात करता हूँ। जी, वापस आते हैं, ठीक है? तो अच्छा, सही है, एक और काम करते हैं कि ये जो लिंक है ना, इसके अंदर मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है index.html। लिंक्स मेरा एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास तीन चाइल्ड हैं, एक index.html, ठीक है, और एक फोल्डर जिसका नाम होम है, और एक फोल्डर जिसका नाम अबाउट है। ठीक है, होम का जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास एक फाइल है home.html, और अबाउट का जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास एक about.html। इतनी बात सबको क्लियर है? सही है, ओके। अब सपोज करो कि मुझे यहां से यहां जाना है, तो आप इस चीज को प्रोग्रामिंग में बोलते हो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। अगर मुझे इस फोल्डर में मैं खड़ा हुआ हूं, जो कि ये है, मैं इस फोल्डर में खड़ा हुआ हूं, अगर मुझे ये जानना है कि मैं किस डायरेक्टरी पे खड़ा हुआ हूं, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है .slash। .slash जब आप लिखोगे कहां पर, एचरेफ के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप जिस डायरेक्टरी पर खड़े हुए हो वहां पर कौन कौन सी फाइल्स रखी हुई हैं। अगर मैं आपको अपने फोल्डर में जाके दिखाऊं, जो कि यहाँ पर index.html लिया है, और अब home.html पे अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूं आपके सामने .slash, तो वो आपको बता रहा है कि मेरे पास करंट डायरेक्टरी में सिर्फ एक फाइल रखी हुई है जिसका नाम index.html है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो चार मैंने चीजें बनाई हैं, मैं इनके भी फोल्डर्स जाकर बना देता हूँ। about कॉन्टैक्ट प्रोफाइल, अदर कॉन्टैक्ट tro प्रोफाइल अदर OTH अदर। ठीक है, अब अगर आप मेरे पास, मैं क्लास फोर का जो फोल्डर है, अब अगर आप उसमें देखो कि मेरे पास इस डायरेक्टरी पर, डायरेक्टरी क्या मतलब, अगर कोई आपसे डेवलपर या इंटरव्यूअर सवाल करेगा डायरेक्टरी क्या है, आपको फोल्डर खोल के दिखाए कि भाई आप डायरेक्टरी जिसका बोल रहे हो वो क्या है,
ये जो नेविगेशन आपके फोल्डर की होती है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टरी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टरी होती है। ठीक है, अब अगर मैं कोड में जाकर देखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉट स्लैश, तो अब मुझे वो बता रहा है कि भाई मेरे पास ये चार फोल्डर हैं और जिनमें एक का नाम फाइल है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी पर आपको कैसे चेक करना है कि मेरे पास क्या रखा हुआ है, तो वो आपको इस तरह पता चलेगा डॉट स्लैश से। ठीक है, एक और काम मैं करता हूँ, इसको यहाँ पर इतना सेव किया, और हर किसी में तो नहीं बल्कि चलो हर किसी में उसकी HTML की फाइल बना देते हैं, अबाउट डॉट HTML, TML। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट HTML। अदर डॉट HTML सही है, TRO FILE डॉट HTML सही है। इसको बंद करते हैं और वापस आ जाते हैं इधर, अबाउट दैट HTML। सबकी जो है HTML की जो बॉयलर प्लेट है उसको रेडी कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क टैब ऑल्ट शिफ्ट टैब, इसको रिमूव करेंगे, इसकी भी नीड नहीं है राइट नाउ के लिए। और इधर आ जाते हैं अबाउट स्क्रीन BOUT स्क्रीन, H1 अबाउट स्क्रीन। ठीक है, सेव करते हैं, कंट्रोल ए कॉपी सेव, कॉन्टेक्ट में आते हैं, कॉन्टेक्ट में डाला। मैंने आपको बताया था अगर आपको एक फाइल पर एक जैसी बहुत सारी स्पेलिंग्स है उनको अगर चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मुझे अबाउट नीचे वाला भी अपने साथ चेंज करना है, मैंने उसको कॉपी किया और अब मैं करूंगा कंट्रोल डी। ठीक है, अब मेरे पास दोनों हाईलाइटेड है, वापस आता हूँ, कॉपी करा CONTACT। ठीक है, आपको एक ही टाइम पे दोनों चीजें मिल गई। ठीक है, कॉन्टेक्ट सेव कर लिया, AC सेव, वापस आते हैं अदर पर, कंट्रोल वी DOTH सेव, AC सेव और प्रोफाइल, कंट्रोल वी प्रोफाइल पर आते हैं, PROFILE प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है P सेव किया और अपना आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हमारे पास चेंजेस तो खैर अभी बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ अपनी मेन फाइल में जो कि मेरी index.html की फाइल थी। ठीक है, और वापस आ जाते हैं किस पे, अपनी नोट पैड वाली फाइल पे। अब मैंने जब लिंक्स पे खड़े होकर डॉट स्लैश किया, वो बोल रहा है आपको कि भाई आपके पास ये तीन चीजें हैं, एक इंडेक्स की फाइल है जिसका एक्सटेंशन HTML है, एक होम का फोल्डर है और एक अबाउट का फोल्डर है। अब अगर आपने इस फाइल पे जाना है तो आप सिलेक्ट कर लोगे इस फाइल का नाम। ठीक है, इस फाइल को आप कॉपी करके यहाँ लिख लोगे। ठीक है, फिर अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस पर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे उस पर नहीं जाना, मुझे सबसे पहले किसी फोल्डर के अंदर जो होम डॉट HTML है ना उस पर जाना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए उसके बाद वो जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करोगे होम। ठीक है, उसके बाद सेम वो आपको बोलेगा अगर इसके अंदर जाना है तो आप लगाओगे स्लैश। अब फिर अगर आप स्लैश लगाओगे तो वो आपको बताएगा कि मेरे अंदर फाइल है, जितनी भी उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के अंदर चीजें होंगी वो आपको बताएगा होम डॉट HTML के। क्या मतलब, जाकर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट पे जाना है डॉट स्लैश से वो मुझे बता रहा है अबाउट कॉन्टेक्ट और बाकी सारी चीजें। मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ ABOUT। ठीक है, और फिर मैंने अगर स्लैश करा तो अब मुझे बता रहा है कि भाई इसके अंदर ये फाइल रखी हुई है। ठीक है, और मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी फाइल्स हैं हम उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट HTML।
डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी पे कॉन्टैक्ट का फोल्डर, कॉन्टैक्ट के फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल। सही है, वापस आते हैं, प्रोफाइल डॉट स्लैश, एक काम करते हैं, सही है, कॉन्टैक्ट के अंदर प्रोफाइल, सही है। मैं एक काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो प्रोफाइल है सपोज कर लेते हैं कि ये भी अबाउट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे? ठीक है, आ जाते हैं वापस, इस प्रोफाइल को मैं यहाँ से, जब आपको कॉपी करना होगा तो आप सी दबाओगे, वरना डायरेक्ट कट पेस्ट करने के लिए आप दबाओगे एक्स, अबाउट के अंदर में गया, कंट्रोल भी, ठीक है। अब अबाउट का फोल्डर मेरे पास प्रोफाइल में रखा हुआ है, ठीक है, वापस आते हैं, यहाँ पर आपके पास किसी किस्म का प्रोफाइल का फोल्डर नहीं है, और मैं वापस आके दोबारा इसके यूआरएल को अगर रिमूव करूं तो आपको वो बताएगा डॉट स्लैश अबाउट। अब वो बता रहा है उसके पास दो चीजें हैं, ठीक है, अगर मुझे अबाउट की फाइल पे जाना है तो मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल रीड करूंगा, अदरवाइज आपको फोल्डर्स के अंदर जाते जाते रहना होगा, जहां तक आपकी रिक्वायर्ड फाइल ना आ जाए तब तक आप उसको जाते रहोगे, लेकिन अभी मुझे अबाउट पर ही जाना है तो मैं अबाउट पर चला गया, अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल पर। अब मुझे प्रोफाइल पर जाना है, डॉट स्लैश अबाउट, और उसके बाद मुझे प्रोफाइल में जाना है तो प्रोफाइल का फोल्डर सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मुझे प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, सही है, मुझे इसी लिंक पर जाना है, सही है। अदर पर चले जाते हैं, डॉट स्लैश अदर, अदर डॉट एच टी एम एल, सेव किया। ये जो आपकी लिंकिंग बन रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स इन एच टी एम एल फाइल, सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया। आप लोगों ने दो चीजें नोटिस करनी है, एक सबसे पहले जो है, एक मिनट के लिए मैं इसको उधर कर देता हूँ और क्लास फोर को इधर कर देता हूँ, ठीक है, आपने नोट करना है। एक हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने होम नहीं बनाया है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारी इंडेक्स की मेन फाइल है ये हमारी होम फाइल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है, होम हमारी यही फाइल है, सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे पास यहाँ पर होम आ रहा है। आपने तीन चीजें नोट करनी है, एक जो आपका कंटेंट रेंडर हो रहा है वो, ठीक है, दूसरी चीज आपका जो टाइटल में जो भी टाइटल लिखा हुआ है वो, और सबसे मेन चीज लास्ट में आपका जो यूआरएल है जो यहां से चेंज होगा आपकी फाइल के नेम से, जो कि अभी इंडेक्स की फाइल रेंडर हुई भी है तो वो आपको बता रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। हम यहाँ पे होम के नाम की एक हेडिंग भी डाल देते हैं, H1, होम, होम, सेव किया और मैं वापस आ, सही है, वेलकम टू होम स्क्रीन मेरे पास आ रहा है, ठीक है, मैं जाता हूँ अबाउट पर, वो मुझे यहाँ पर अबाउट स्क्रीन भी ले आया है, और जो मेरा अबाउट स्क्रीन का डेटा था वो भी मेरे पास रेंडर हो चुका है, और अगर आप पाथ को चेक करो तो वो आपके पाथ को भी अपडेट कर चुका है। सबको क्लियर ही हो रही है बात? ठीक है, वापस आता हूँ मैं, अगेन मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, और मैं कॉन्टेक्ट पर जाता हूँ तो आपके पास कॉन्टेक्ट का डेटा आ रहा है, यूआरएल में आपका यूआरएल भी अपडेट हो चुका है कॉन्टेक्ट से, और आपका टाइटल भी अपडेट है। सेम सिचुएशन फॉर प्रोफाइल, जो कि आपकी, अगर आप इसको गौर से देखो, ये जो नीचे यहाँ पे टाइटल आ रहा है, हम वो एरो हटा रहा हूँ तो वो हट रहा है, लेकिन वो क्या बता रहा है, अबाउट के फोल्डर के अंदर आपके पास प्रोफाइल है और उसके अंदर ये फाइल रेंडर्ड है, सही है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शनैलिटी थी, फंक्शनैलिटी मतलब जो भी आपने कोड लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी किस्म का उसमें एरर नहीं है, ठीक है, प्रोफाइल पर भी वो जा रहा है, आपका यूआरएल भी वो चेंज कर रहा है, और आपको टाइटल में भी बता रहा है, सेम सिचुएशन फॉर अदर्स, ठीक है। पर बार बार मुझे क्या नहीं करना, मुझे बार बार इस तरह इस वाले एरो से आगे नहीं जाना, मुझे हर फोल्डर में, अब मुझे ये नेविगेशन में हर फोल्डर में रखता हूं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी मदद से नहीं, मैं हर फोल्डर में इन नेविगेशंस की मदद से आगे पीछे जा सकूं, मुझे इस तरह करना है, ठीक है, वापस आते हैं, अबाउट
अबाउट डॉट एच टी एम एल में सबसे पहले काम करना होगा, तो मैं ये पूरा यू एल यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा एक और चीज, अब ये होम की फाइल है, ठीक है, आप लोगों ने जवाब देना है। होम की फाइल है और ये होम का टैब है, क्या मुझे कोई एड्रेस यहां देने की जरूरत है या नहीं है? यहाँ क्या एड्रेस देंगे? जाने ऊपर जाने, ऊपर जाने के लिए कहाँ? की। नहीं देखो, मेरा कहने का मकसद ये है, जिस फाइल पे आप खड़े हुए हो, सही है, मैं होम टैब पे खड़ा हुआ हूँ और वहां पर होम का टैब भी है, तो वहां पर उस लोकेशन पर आपको यहाँ पर कोई एड्रेस देने की नीड नहीं है, क्योंकि यहां से आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप यहीं तो खड़े हो, ठीक है। जिस जगह पर से मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि वहीं तो मैं खड़ा हुआ हूं, तो वहां पे मुझे कोई एड्रेस देने की नीड नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं, और अब मैं इस यूएल को पूरा कॉपी करता हूँ अगेन, और अब मैं आ जाता हूँ किसमें, अबाउट डॉट एच टी एम एल पे, ठीक है। मैं सबके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली क्लीन करूंगा, ठीक है, इन सबको हटाऊंगा, और फिर वही अगेन सवाल, अब मैं अबाउट की फाइल पे खड़ा हुआ हूं, तो मुझे अबाउट वाले जो टैब है उसमें कोई एड्रेस देने की नीड नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं किस पे, अपनी नोटपैड की फाइल पर। ये तो हमने चीज पढ़ ली कि भाई अगर हमें अपनी लोकेशन से नीचे जाना है, नीचे से नीचे जाना है, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल पे जाना था, तो मैं यहाँ लिखूंगा होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं आप इस लोकेशन पर हो, ठीक है, इस लोकेशन पर हो होम डॉट एच टी एम एल पे, अब मुझे जाना है किस पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, डॉट स्लैश, वो करंट डायरेक्टरी पे मुझे बताएगा कि भाई ये दो चीजें हैं, करंट डायरेक्टरी पर वो मुझे मुझे बताएगा कि भाई आपके पास ये फाइल है करंट डायरेक्टरी पे, क्योंकि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, होम डॉट एच टी एम एल पे, इसके पास कोई और चीज नहीं है, तो मुझे क्या करना है, क्या मतलब, वापस आता हूँ यहाँ पर, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल पे, सही है, मुझे कहाँ जाना है, इस वाली फाइल पर, क्योंकि इसी का नाम तो मैंने होम रखा हुआ है, मैंने इधर लिखा डॉट स्लैश विच इज दिस नॉट दिस, ये सही है, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास एक अबाउट डॉट एच टी एम एल है और एक प्रोफाइल का फोल्डर है, ठीक है, जिन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो होम पे जाना है जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। अगर आपको फोल्डर से बाहर आना है, फोल्डर से बाहर आने के लिए आपके पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स का जो कोड है विच इज डबल डॉट स्लैश, अब जब आप डबल डॉट स्लैश लिखोगे तो भाई वो आपको बताएगा कि भाई एक मेरे पास होम का फोल्डर है, दूसरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो वर्क कर रहा है, मैं इधर आता हूँ होम पर, मुझे होम पर जाना है, मैंने लिखा डॉट स्लैश, वो मुझे बता रहा है अबाउट है और प्रोफाइल है, कहाँ जाना है, मैंने बोला यहाँ तो जाना ही नहीं है, मेरी फाइल तो ऊपर पड़ी हुई है आपसे ऊपर, ठीक है, डबल डॉट स्लैश, अब वो मुझे वो सारी चीजें बता रहा है जो मेरे मेन फोल्डर पर रखी हुई हैं, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्लियर है सबको। फोल्डर से बाहर जाने के लिए आपको यूज करना है डबल डॉट स्लैश, ठीक है। अबाउट पे क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे यहां से कहीं जाने की नीड नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, यहां पे जाना है डॉट स्लैश, नहीं यहां यहां में यहां से मेरा रूट नहीं बन रहा, फोल्डर से बाहर जाना होगा डबल डॉट स्लैश, हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा है, फोल्डर को सिलेक्ट करा, फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल है, उसके अंदर चले गए, डबल डॉट स्लैश से फोल्डर से बाहर आए, वहां मुझे हमारा रिक्वायर्ड फोल्डर मिला विच इज कॉन्टेक्ट, उसको सिलेक्ट करा, फिर उसकी फाइल सिलेक्ट कर ली, ठीक है। प्रोफाइल में आते हैं, डबल डॉट स्लैश प्रोफाइल हमें यहीं पे मिलना है, प्रोफाइल को सिलेक्ट करा, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अदर में आते हैं, डॉट स्लैश अदर यहाँ नहीं है, डबल डॉट स्लैश अदर, अदर डॉट एच टी एम एल, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, और अब मैं अगर जाऊंगा अबाउट पर, यहाँ अबाउट के हिसाब से डेटा चेंज होना चाहिए और ये मेरा जो यूएल की लिस्ट है वहां पर मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। अबाउट पे मैं जा चुका हूँ, मुझे बिल्कुल लिस्ट मेरी दिख रही है, अबाउट का यूआरएल भी चेंज हो चुका है, अबाउट की स्क्रीन भी चेंज हो चुकी है, सबसे पहले मैं होम पर जाकर देखता हूँ, होम पर वो मुझे सक्सेसफुली लेके जा चुका है, कोई मसला नहीं आया, दोबारा अबाउट पर जाते हैं, अबाउट पे चले गए,
अब अबाउट से मैं कॉन्टेक्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है, अबाउट से मैं कॉन्टेक्ट पे गया, सक्सेसफुली लेके जा चुका है। फिर वापस आते हैं अबाउट पर, हूं मैं प्रोफाइल पर, बिल्कुल सही है लेके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं कर रहा, और अदर पर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है लिंक्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अब हम बाकी फाइल्स में जल्दी से इसको इंक्लूड करते हैं, और लिंक्स अब आप बताओगे किसके अंदर हमें क्या लिखना है, और फिर उसके बाद काम आपने करना है, ठीक है। वापस आते हैं, इसको रेंडर किया, और इन सबको जल्दी से मिटाते हैं। जी मुझे जाना है होम होम पर, क्या लिखूंगा मैं करंट डायरेक्टरी को चेक करने के लिए? डॉट स्लैश मुझे आने में लग, क्या लिखना है? डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यही मेरी होम की फाइल है, सही है। कॉन्टेक्ट पे खड़ा हूँ, अबाउट पर जाना है, बिल्कुल जाना है, यहाँ पर नीड नहीं होगी, ठीक है। डॉट स्लैश यहाँ नहीं मिल रहा, डबल डॉट स्लैश अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे जाएंगे, अबाउट अबाउट डॉट एच टी एम, ठीक है। कॉन्टेक्ट पे जाने की नीड नहीं है, प्रोफाइल डॉट स्लैश नहीं मिल रहा, डबल डॉट स्लैश अबाउट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट एच टी एम, बिल्कुल सही है। डॉट स्लैश नहीं है, डबल डॉट स्लैश अदर अदर डॉट एच टी एम, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको भी, सेव किया, कॉपी किया, अदर अदर स्क्रीन में आ जाते हैं। डॉट स्लैश नहीं है, डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम है, बिल्कुल सही है। डबल डॉट स्लैश अबाउट अबाउट डॉट एच टी एम, ओके सही है। और कॉन्टेक्ट में आना है, हाँ सही है, कॉन्टेक्ट की अभी नीड है, यहाँ से हमने कॉन्टेक्ट नहीं भरा होगा ना, हाँ सही है, और यहाँ पे अदर नहीं भरेंगे। कॉन्टेक्ट में जाना है, डबल डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रोफाइल के लिए डबल डॉट स्लैश अबाउट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट एच टी एम, और अदर को यूज नहीं करना तो अदर को मैं यहाँ से हटा दूंगा। सेव करता हूँ, यूएल को कॉपी करते हैं, ठीक है, सेव कॉपी, और हम जाएंगे अपने प्रोफाइल के फोल्डर में जो कि नजर नहीं आ रहा है, अबाउट में गए, प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट एच टी एम है, ये रहा। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल वी, ठीक प्रोफाइल में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सब में देखेंगे। इसकी करंट डायरेक्टरी में तो यकीनन कुछ नहीं रखा हुआ होगा, क्योंकि ये सबसे चाइल्ड फोल्डर है सबका। डॉट स्लैश कुछ नहीं रखा हुआ, इस फोल्डर से भी बाहर आना है, डबल डॉट स्लैश यहाँ भी कुछ नहीं रखा हुआ, इस फोल्डर से भी बाहर आना है, अगेन डबल डॉट स्लैश, फिर वो आपको बता रहे भाई यहाँ रखा हुआ है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जितने फोल्डर से बाहर आना होगा उतने डबल डॉट स्लैश लगेंगे, ठीक है। करंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश फोल्डर से बाहर डॉट डबल डॉट स्लैश, ठीक है, डबल डॉट स्लैश अबाउट पे जाना है, हाँ ठीक है, अबाउट डॉट एच टी एम एल यही मिल रहा है, यही यही वाली रेंडर करवा दो। कॉन्टेक्ट डबल डॉट स्लैश अगेन डबल डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रोफाइल यही है, कहीं नहीं जाना हमें यहाँ से, सही है। डबल डॉट स्लैश इससे भी ऊपर, डबल डॉट स्लैश अदर नॉट दिस अदर अदर डॉट एच टी एम एल, सही है। सेव करता हूँ, अब मेरे पास हर फाइल्स पे मेरी नेविगेशन होनी चाहिए, और इंस्टेड ऑफ एरो के किसी बटन से मुझे यहीं से इसी से नेविगेशन से मैं मूव करवाऊंगा। सेव करते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको चलो बंद कर देते हैं और वापस आते हैं अपने, एक और चीज, जैसे ये मेरे पास अभी होम की फाइल है, आप अपने लिंक्स को वेरीफाई कर सकते हो, सही है, वीएस कोड के जरिए, ये इनके पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो नहीं है, एक आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, कंट्रोल दबाओगे और अपने हाइपर रेफरेंस के लिंक पे ले जाओगे, अगर वो वैलिड होगा तो वो फाइल आपकी ओपन कर देगा। मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है और मैं अबाउट अबाउट वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, वो एक लिंक बना रहा है, और उसमें मैंने अगर क्लिक किया तो वो अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल उसने खोल के मुझे दे दी है। यहाँ पर अगर मैं जाके कॉन्टेक्ट पे लेके जा रहा हूँ तो वो कॉन्टेक्ट की फाइल पर लेके जा रहा है, ठीक है। इस फाइल की पाथ को कॉपी करते हैं, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल टी वी एंटर, सही है।
मेरे पास होम रेंडर हो रहा है, होम का यूआरएल डाला हुआ है, मेरे पास अबाउट है, अबाउट पे जा रहा है, कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, सही है, कॉन्टेक्ट से प्रोफाइल पे जा रहा है, प्रोफाइल से अदर पे जा रहा है, अदर से प्रोफाइल पे जा रहा है, प्रोफाइल से कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, कॉन्टेक्ट से अदर पर आ रहा है। जिस जगह से मैं जिस जगह जाना चाह रहा हूँ, आपकी वेबसाइट पे जो नेविगेशन हो रही होती है ना, वो इस तरह हो रही होती है, कॉम्प्लेक्स फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और उनसे बाहर फोल्डर, ठीक है, वो सब आपकी इसकी मदद से हैंडल हो रहे होते हैं। करंट डायरेक्टरी पे जो लोकेशन पे चीजें रखी हुई हैं, उसके लिए आप यूज करोगे डॉट स्लैश, और आपको जब चाइल्ड टू पेरेंट आना होगा, अगेन यूज करोगे डॉट स्लैश फॉर करंट डायरेक्टरी, फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश, ठीक है। अब ऐसा करो, अपने अपने सिस्टम पे बैठो आप सब, और इस पूरे की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लास 4 के अंदर बिल्कुल मैं आप ये खोल के रखा हुआ है, क्योंकि आपने बिल्कुल इस तरह का बनाना है, ठीक है। अबाउट, अदर, कॉन्टैक्ट, और अबाउट के अंदर आपके पास एक दो चीजें होंगी, एक अबाउट की फाइल, एक प्रोफाइल का फोल्डर, ठीक है। वापस आते हैं, और ये रहा आपका उत्तर।